परम पूज्य पंडित सुशील कुमार शुक्ल के सानिध्य में ग्राम पंचायत नाना परसवाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 28 फरवरी शुक्रवार से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण प्रारंभ है एवं कथा का समापन पूर्णाहुति एवं भंडारा महाप्रसादी दिनांक 5 मार्च गुरुवार को रखा गया है। भागवत कथा का आयोजन ग्राम के पोरवाल परिवार के निज निवास नांदा परसवाड़ा में किया जा रहा है। वहीं ग्राम के कालूराम पोरवाल ने बताया कि भागवत कथा के दौरान गांव के एवं दूसरे गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण भागवत कथा अमृत पान करने आ रहे हैं। का धर्म झुकने नहीं दूंगा, निछावर हो गया जगत माता सीता की रक्षा के लिए, मिट गया अपने देश धर्म पर। आज ये कथाएं सुनकर हमें लज्जा लगती है कि हर चौराहे पर बैठा हुआ रावण सीता हरण कर रहा है। हम भारत के रहने वाले हैं और पक्षियों से भी ज्यादा गिर चुके हैं। अरे अपने अस्मिता को पहचानो। एक बूढ़ा गीत भारत की नारी की रक्षा के लिए भारत का रहने वाला मिट गया तो फिर क्या गीत से भी मानव योनि पाके तुम बदतर हो गए हो? केवल अखबार पढ़ लेते हो, टीवी देख लेते हो, माँ बहनों की लाज लुट रही है सुन लेते हो, लेकिन आवाज नहीं उठाते। अरे खोलो मुख अपना, बोलो। हर माँ बहन की रक्षा करना भारत के रहने वालों का धर्म है। ये भारत महानता का प्रतीक है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमारे निज निवास पर आदरणीय पंडित सुशील कुमार जी शुक्ल की सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आप सहपरिवार पधारकर कथा अमृत पान कर हमें अनुग्रहित करें। अभी कथा का आयोजन चल रहा है और 5 मार्च को इस कथा की पूर्णाहुति है, जिसमें आप सब पधारकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। चाहे अनजान में छुओ, अग्नि छुओगे तो जलोगे। अग्नि का स्वभाव है जलाना। अग्नि में घी की धार लगाओ, मिठाई खवाओ और फिर हाथ जोड़ के खड़े हो कि हे अग्नि भगवान, हमने तुम्हें मिठाई खिलाई, घी पिलाया, अब हम तुम्हें पकड़ेंगे, हमें जलाना नहीं। बोलो पकड़ोगे जलोगे कि नहीं जलोगे? अग्नि का स्वभाव है जलाना। ऐसे भगवान के नाम का प्रभाव है पापों को जला करके राख कर देना। छोटा सा आगी का टुकड़ा पर्वत जैसे रुई के ढेर को लिया हुआ भगवान का नाम हमारे पापों का पर्वत जला के राख कर देता है। मानव योनि मिली है तो बड़ों का सम्मान करना सीखो। किसी ब्राह्मण महात्मा का जीवन में अपने से अपमान मत करो। अरे हमारी तुम्हारी गिनती क्या है? देवताओं के राजा इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया था तो देवराज इंद्र का भी इंद्रासन चला गया था। जब एक ब्राह्मण महात्मा विश्व रूपी कृपा हुई, नारायण कवच का जब उपदेश विश्वरूप ने इंद्र को दिया तब इंद्रासन मिला। अब फिर गलती कर गए लोभ में इंद्र, सिंहासन के लिए अपने आचार पुरोहित विश्वरूप को ही काट डाला। ब्रह्म